हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोज टू वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ आर बिम्स्टेक एंड ईरान न्यूक्लियर डील विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम क्लैट, एलेट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऐसे इशूज़ हैं बिम्स्टेक रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिया इज़ अ मेम्बर and since it is related to the Indian subcontinent, so it is very important. Iranian nuclear issue, just like India China issue, is a legacy issue. Legacy issue मतलब बहुत दिन से चलता आ रहा है और हमेशा न्यूज़ में रहा है, साल भर न्यूज़ में रहा है। तो this type of news becomes important. उसके बाद some of the important informations factual type से काफ़ी important है about Great Barrier Reef and microplastic, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Along with that, we will discuss a very new development in Russia-Ukraine crisis, where Ukrainian president is ready to discuss neutrality, which safeguards the territorial integrity of Ukraine. हम इसके बारे में बात करेंगे. Okay, so let's start the news. So friends, जो front page पे जो important news है, that is that there is protest in Lok Sabha as the bill has been introduced in the parliament, which provides for lifting the biometrics for detainees. तो एक बिल है जिसका नाम है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022. इस बिल के अंदर क्या होगा कि जो पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं, दे कैन स्टोर एंड एनालाइज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स रेटिना आइरिस स्कैंस ऑफ द कन्विक्ट्स. ओके, नाउ हम इसके कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बिल है, इट इज़ गोइंग टू रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920. ओके, जो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 था, ये बिल का जो स्कोप था लिमिटेड था. वाई? बिकॉज इट प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग ओनली फिंगर इम्प्रेशंस एंड फुटप्रिंट इम्प्रेशंस ऑफ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ कन्विक्ट्स. बट अब ये जो नया बिल जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, एज यू कैन सी द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, इट इज़ गोइंग टू अलाउ द पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज़ टू स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स, जो हम आधार में देते हैं ना, वो सारा कुछ. फाइन. उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आइरिस तो हमने देखा, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बायोलॉजिकल सैम्पल्स जैसे ब्लड, बाकी वगैरह चीज़. ओके, और जो टाइम पीरियड होगी इसको स्टोर करने का, वो होगा पूरा 75 ईयर्स. ओके, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की है कि ये क्या सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो कन्विक्ट हैं, जिनको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि दैट दे आर कन्विक्टेड. नहीं, वो उनके लिए भी लागू होता है, साथ साथ में ये वो उन पर्सन्स के लिए भी लागू होता है दोज हु आर डिटेंड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. अब यहाँ पे ही पूरा मुद्दा है कि अपोजिशन कहते हैं कि ऐसे तो गवर्नमेंट किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकती है, उनके सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ले सकती है, एंड दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल एडवर्सरीज. द नेक्स्ट इज दैट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका अरेस्ट हुआ बट बाद में कोर्ट ने उसको रिलीज़ कर दिया, ओके, विदाउट ट्रायल, ओके, और इट हैज़ बीन एक्विटेड बाय द कोर्ट, तो ऐसे पर्सन के रिकॉर्ड्स को क्या रखा जाएगा? सो द आंसर इज़ नो. ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ सच पर्सन विल बी डिस्ट्रॉयड. द नेक्स्ट इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल्ड अगेंस्ट इमरान गवर्नमेंट. तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट हेडेड बाय इमरान खान. इमरान खान के जो पार्टी का नाम है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, that is Tehreek-e-Insaf Pakistan. And now the opposition leaders, they have formed a umbrella movement that is called as Pakistan Democratic Movement. उसमें जो हैं parties, काफ़ी सारे parties के लोग उसमें इकट्ठा हुए हैं. They all belong to opposition parties. अब यहाँ पर हम देखेंगे तो opposition क्या कह रहा है कि that they have 172 votes in 342 seat house to oust the Imran Khan government. इसके बारे में हम थोड़ा एडिटोरियल में ज़्यादा पढ़ेंगे. नाउ फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे पढ़ें इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, अब इनके अगेंस्ट जो मेन एलिगेशंस है वो है एक तो करप्शन का, ओके, और दूसरा है कि ये इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे हैं. देयर इज़ वेरी हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. ओके, सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर हियर इज़ दैट हम कल के न्यूज़पेपर में था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्होंने एक रैली बुलाया इन इस्लामाबाद परेड ग्राउंड, जहाँ पे उनके पार्टी के सपोर्टर्स आए थे, विच शोज़ दैट हिज सपोर्ट बेस इज़ स्टिल इंटैक्ट बट स्टिल ही इज़ फेसिंग द चैलेंज इन द पार्लियामेंट. ही ड्रॉ द पैरेलल, पैरेलल का मतलब उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया ज़िया उल जुल्फ़िकार अली भुट्टो से. जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश वॉर. लेटर ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जनरल ज़िया उल हक इन 1977. नाउ मिस्टर खान जो हैं वो इमरान खान जो हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है उनके गवर्नमेंट के खिलाफ. ओके एंड यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ओके जो पहले आर्मी के फेवरेट हुआ करते थे, नाउ आर्मी डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन इमरान खान और यू कैन से दैट नाउ आर्मी इज़ नो लॉन्गर सपोर्टिंग इमरान खान. ओके the next and very important article for today where I am going to take time is we are discussing about BIMSTEC. इसमें BIMSTEC में यहाँ पे जो खास करके जो बात हुई है वो हुआ है about the Bay of Bengal region. तो यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे it will be like importance of Bay of Bengal region, threat to Bay of Bengal region and what to do. तो इस आर्टिकल को हम तीन उसमें पढ़ेंगे. पहले तो हम BIMSTEC का थोड़ा सा brief history देखेंगे, what is the brief history of BIMSTEC. Okay, then we will come and study about Bay of Bengal region. Bay of Bengal region. तो अगर हम Bay of Bengal region की बात करें तो इसमें हम पहले इसके प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस, फिर यहाँ पे थ्रेट क्या क्या है एंड व्हाट टू डू सॉल्यूशंस. अब नाउ कम टू द BIMSTEC. पहले तो BIMSTEC का फुल फॉर्म क्या है. तो BIMSTEC का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसकी जो समिट है वर्चुअल समिट जो है वो श्रीलंका होस्ट कर रहा है बिकॉज द करंट चेयर ऑफ BIMSTEC इज़ श्रीलंका. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से भी. ओके अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि BIMSTEC की सेक्रेटेरिएट कहाँ पे. जैसे हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेक्रेटेरिएट होता है. सो वेयर इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ BIMSTEC. सो द सेक्रेटेरिएट ऑफ BIMSTEC इज़ इन ढाका. इट इज़ इन ढाका. आगे चलते हैं. BIMSTEC को कब एस्टेब्लिश किया गया था. सो इट वाज फाउंडेड इन 1997. अब इसके मेंबर्स कौन हैं. इसके मेंबर्स जो हैं वो 2000 लिटोरल स्टेट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड 2 लैंड लॉक स्टेट्स. ओके द लिटोरल स्टेट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे. तो एक तो इंडिया हो जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड एंड 2 लैंड लॉक स्टेट्स दैट इज़ नेपाल एंड भूटान. नाउ इट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो कोऑपरेशन जो है वो कौन कौन से एरिया में होगा. सो द कोऑपरेशन विल बी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिविएशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, अलॉन्ग विद दैट एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चर कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट change. Okay now this article is suggesting that BIMSTEC should do more about the Bay of Bengal region. Okay rather than this they have to take concrete step to address certain critical challenges which is confronting this region. Now if you will just see that some of the challenges, what are those challenges. So before that we have to study about the importance of Bay of Bengal. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दैट बे ऑफ बंगाल इट इज़ होम टू लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्यूटीफुल बट फ्रेजाइल एस्चुरीज. एस्चुरीज आर दोज प्लेसेस where river joins the sea. Then mangrove forest of around 15,792 square kilometers. Now which is the largest mangrove forest in the world. Please write me in the comment box. Again I am asking the question that which is the largest mangrove forest of the world. Please write me in the comment box. Then coral reefs of around 8,470 square kilometer. Coral reefs क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले पेज में. Then sea grass meadows and mass nestling sites of sea turtles. For example you must have heard about Gahirmatha Beach in Odisha. That is the nestling sites for Olive Ridley Turtle. That is the nestling site of Olive Ridley Turtle in Gahirmatha Beach. Now if you will just see the threats. So the threats are very huge. So the annual loss of mangrove area is estimated at 0.4 to 1.7% एंड कोरल रीफ्स एट 0.7%. उसके बाद जो सी लेवल राइज है वो प्रेडिक्टेड है दैट इट इज़ गोइंग टू बी 0.5 मीटर्स इन नेक्स्ट 50 ईयर्स. उसके बाद बे ऑफ बंगाल रीजन द सी सर्फेस टेम्परेचर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ दैट द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन बे ऑफ बंगाल हैज़ इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स. देयर हैज़ बीन 13 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे फिशरमैन्स का, तो कोस्टल पॉपुलेशन जो है बे ऑफ बंगाल रीजन का पूरा मिला के दैट इज़ 185 मिलियन पीपल, उसमें से 3.7 मिलियन पीपल आर अटैच्ड विद फिशिंग। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिशिंग का प्रोस्पेक्ट देखें तो 7% ऑफ द वर्ल्ड्स कैच विच इज़ वैल्यूड एट $4 बिलियन इज़ फाउंड इन बे ऑफ बंगाल रीजन। ओके, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जो फिशिंग है वो IUU दैट इज़ कॉल्ड एज इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। IUU फिशिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ अ IUU फिशिंग हॉटस्पॉट। IUU मतलब इलीगल अनरिपोर्टेड and unregulated fishing. Then because of this there has been emergence of several dead zone. Dead zone मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और फिश सर्वाइव नहीं हो सकती। उसके बाद प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स आर दोज एरियाज विच प्रोटेक्ट द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग कोस्टल फ्लडिंग। उसके बाद सी इरोजन, देन डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। दीज आर सर्टन चैलेंजेस टू बे ऑफ बंगाल रीजन। नाउ अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए है दिस लाइन दैट बिम्स्टेक दे शुड क्रिएट अ न्यू रीजनल मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ इन मैरीटाइम डोमेन इन बे ऑफ बंगाल रीजन। ओके, नाउ ओवर हियर दैट सम ऑफ द एरियाज वेयर दे कैन वर्क इज द सेम एज वी हैव डन द चैलेंजेस, दैट इज़ प्रमोटिंग सस्टेनेबल फिशिंग मैथड्स, then establishing protected areas, then managing and preventing the population pollution, then specifically targeting the discharge of industrial and agricultural waste and oil spills. Now which should be the priority area? So marine environmental protection must be the priority area for which regional protocol should be developed in this region, and this should be based on homegrown solutions. Okay, होम ग्रोन सॉल्यूशंस होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही आसान होता है। एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल लर्निंग। अब फ्रेंड नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं अबाउट द ईरान न्यूक्लियर डील। नाउ ईरान न्यूक्लियर डील ये 2015 में साइन हुआ था बिटवीन P5+1 कंट्रीज एंड ईरान, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ईरान न्यूक्लियर डील वाज टू स्लो डाउन द न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ ईरान। जैसे कि अगर हम यूरेनियम को यूज़ करना चाहते हैं फॉर मेकिंग एटम बम, द यूरेनियम विच इज़ फाउंड इन नेचर इज़ इम्प्योर, इट हैज़ टू बी मेड प्योर। और वो प्योरिटी जो होती है वो कम से कम 90% होनी चाहिए टू मेक एटम बम। So the uranium enrichment facility, it focuses on enriching this uranium so that the weapon grade uranium can be made where uranium constitutes 90% of the ore. अब ऐसी एक फैसिलिटी ईरान की है कुछ किसी इम्पोर्टेंट जगह पे, कुछ इम्पोर्टेंट जगह पे जिनका नाम है नतांज एंड फरदो। ये दो ऐसे प्लांट हैं ईरान के जहाँ पे ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट दिस आर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। Okay, now over here in this what happened in 2015, उसके पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसकी हेडक्वार्टर वियना में है इन ऑस्ट्रिया, उसका एक रिपोर्ट आया विच शोड दैट ईरान इज़ कैरिंग आउट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ईरान का इंटेंशन है एटॉमिक बम बनाने का। तो ईरान के इस कैपेबिलिटी को लिमिट करने के लिए P5+1 कंट्रीज एंड ईरान दे केम टुगेदर इन 2015 टू साइन अ डील which is called as Iran Nuclear Deal or Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA. अब ये डील 2015 में साइन हो गया, ठीक है, where this uranium enrichment facility it was to be handed to US and Russia. इसमें जो फरदौ था वो रशिया के पास जाना था कि जो फरदौ यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के जितने भी यूरेनियम एनरिच्ड हो चुके हैं वो किसके पास जाएगा, रशिया के पास जाएगा, ठीक है। एंड देन रशिया विल हेल्प ईरान टू कन्वर्ट दिस फरदौ इनटू अ न्यूक्लियर फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स फॉर यूज इन मेडिकल साइंस। नाउ अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिटेल में है। सो अब इसमें क्या होता है कि (2018) में, ठीक है, यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रम्प इट विदड्रॉज फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील. उसके बाद मतलब ये डील ब्रेक हो गया. आफ्टर दैट बाई 2019-20 दिस डील इज़ रिवाइव बाय द रिमेनिंग कंट्रीज. मतलब अगर P5+1 कंट्रीज़ में यूएस को छोड़ के जो बाकी कंट्रीज़ थी, दैट इज़ फ्रांस, रशिया, चाइना, यूके, ओके, एंड +1 में एक जर्मनी आपका आ गया. So these countries along with Iran, they started the deal and US was participating indirectly, and this discussion for reviving the Iran nuclear deal, it was being held in Vienna in Austria. Okay, अब ये जो deal है वो एकदम finalization की तरफ है, ठीक है. अब यहाँ पे जो है रशिया का एक problem आ रहा है, ठीक है ना. रशिया का एक problem है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं. नाउ रशिया इज टेलिंग दैट दे विल गो विद द डील इफ़ द सैंक्शंस विच हैव बीन मेड अगेंस्ट रशिया इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस वो एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर ईरान न्यूक्लियर डील. ओके, दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ केप्ट बाय रशिया एंड मोस्टली एक्सेप्टेड बाय USA इन थ्रू बैक चैनल्स. फाइन, सो दिस इज़ द करंट थिंग. नाउ अब ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि ईरान कैन गो विद द डील, बट एक स्टिकिंग पॉइंट है. वो स्टिकिंग पॉइंट हमने कल भी किया था. ईरान का एक एलिट फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड एज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको US ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में डाला हुआ है. तो ईरान चाहता है कि ये टैग इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से हट जाए. ओके, फाइन. अब उसके बाद US की अपने कुछ डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं. जो जो बाइडन है वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके अपने कुछ डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं. वो ये डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द स्टिकिंग पॉइंट ऑफ दिस डील. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ईरान जो है वो इस डील से बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है. अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे ईरान के अगेंस्ट, ईरान ने कहीं ना कहीं उसको मतलब ओवरकम कर लिया. सो इफ वी जस्ट रीड दिस 2 पैराग्राफ वी विल कम टू नो दैट जकोपा JCPOA कैरीज मच लेस सिग्निफिकेंस फॉर ईरान. ओके, ईरान हैज़ मास्टर्ड द न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइकिल एंड इज़ कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अलॉन्ग विद दैट ईरान हैज़ बीन एबल टू सेल अराउंड 1.2 million बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल अगेंस्ट 0.4 MPD इन 2020 मिलियन बैरल्स पर डे. उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगर प्रोजेक्शन देखेंगे, सो दे आर प्रोजेक्टिंग दैट ईरान GDP इज गोइंग टू ग्रो बाई 2% इन 2022 एंड 3% ओवर दी इफ यू कंपेयर इट विद दी ओवर द प्रीवियस 2 years. ओके, नाउ अगर हम देखेंगे कि ईरान जो है वो पॉलिटिकली, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, रीजनल रोल की बात करें, तो ईरान इज़ द न्यू मेंबर ऑफ SCO. ईरान हैज़ रिन्यूड रिलेशन विद चाइना एंड रशिया especially because of the Afghanistan issue. उसके बाद Iran is rebuilding relations with Azerbaijan. Okay, it has partnered with Turkey in Syria and it has 4 rounds of dialogue with Saudi Arabia. Okay, अगर हम देखेंगे कि ये पैटर्न जो है मिडल ईस्ट में बाकी कंट्रीज़ भी फॉलो कर रही हैं. आफ्टर द US withdrawal from Middle East and Afghanistan, most of the countries they are having the bilateral or regional groupings in the Middle East and broader areas. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे इराक़ की बात हुई है, तो इराक़ का अगर आप देखेंगे इट इज़ परसुइंग अ कोऑपरेशन नेटवर्क विद इजिप्ट एंड जॉर्डन. और टर्की जो है इट इज़ रीच्ड आउट टू UAE, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट वाइल रिटेनिंग क्लोज टाइज विद कतार एंड ईरान. सो दिस इज़ द न्यू डायनामिक्स गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट रीजन, स्पेशली आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ US फ्रॉम अफगानिस्तान. Okay, only the spoiler spot in this is hostility between Israel and Iran, where Israel does not want Iran to become nuclear power, which can change the dynamics of West Asian geopolitics. अब हम फ्रेंड्स आते हैं कोरल ब्लीचिंग की तरफ, ठीक है. तो कोरल ब्लीचिंग, कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स एक ऐसे प्रजाति होते हैं जिनको पॉलिप्स कहते हैं. दे डिपेंड अपॉन फॉर फूड, दे डिपेंड अपॉन अ सर्टन टाइप ऑफ एल्गी कॉल्ड एज ज़ूएंथेली. ये एल्गी से ये डिपेंड होते हैं फूड के लिए इसके ऊपर, एंड देन they secrete lime, okay, and this lime get hardens and it forms coral reef. दो टाइप के कोरल रीफ्स होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कोरल रीफ्स. ओके, सो हार्ड कोरल रीफ्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीफ बिल्डिंग कोरल्स, और जो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, ठीक है, दे अटैच दैम सेल्स विद प्लांट्स एंड देन दे सीक्रेट देयर स्केलेटन, ओके, एंड देन दे मेक अ कॉलोनी विच इज़ कॉल्ड एज कोरल रीफ. अब इंडिया वर्ल्ड का सबसे ग्रेट कोरल रीफ जो है, सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है. इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेट बैरियर रीफ. अब यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ इट इज़ गोइंग थ्रू अ ब्लीचिंग. अब ब्लीचिंग क्या होता है, तो ये जो कोरल्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर. सो कोरल रीफ्स आर वेरी कलरफुल एंड इफ दिस कलरफुल थिंग टर्न्स इनटू वाइट बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ कोरल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग. अब ये ब्लीचिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस. व्हाट इज दिस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस? फॉर एग्जाम्पल, अगर सी टेम्परेचर बढ़ जाए, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए, या सी की एसिडिटी बढ़ जाए, तो व्हाट हैपन्स, द सर्वाइविंग कंडीशन फॉर पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स इज़ नाउ एडवर्स, दे स्टार्ट डाइंग, ओके, एंड दिस कलरफुलनेस गोज वंस दे डाई. ओके, दे कैन बी रिवाइव्ड ऑल्सो इफ द सिचुएशन टर्न्स टू नॉर्मेलसी. फाइन. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कोरल ब्लीचिंग. जो पहला कोरल ब्लीचिंग इवेंट हुआ था, इट अकर्ड इन 1998 व्हेन एल नीनो वेदर पैटर्न कॉज्ड सी सरफेस टेम्परेचर राइज इन दी पैसिफिक ओशियन. तो अगर हम देखेंगे कि एल नीनो एक वेदर फिनोमिना है एंड इट इज़ हैपन्स इन पैसिफिक ओशियन. ओके, तो पैसिफिक ओशियन में क्या होता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एल नीनो. The next is microplastics. Microplastics. So microplastics क्या होता है? वो प्लास्टिक होता है जिसकी जो लेंथ है 5 mm से कम होती है. ओके, तो these plastics are mainly used for food grade bottles. अब एक रिपोर्ट आया है जिसमें पाया गया है कि एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक होती है पॉलीइथाइलिन टेट्राफिटलेट. ये प्लास्टिक कुछ ब्लड सैंपल्स में पाए गए हैं इन नीदरलैंड. 22 लोगों के ब्लड सैंपल में ये प्लास्टिक मिला हुआ है, ठीक है, एंड सिंस दे आर फूड ग्रेड प्लास्टिक्स, तो फूड कंजम्पशन के टाइम ये ब्लड में गया हुआ है. फाइन. सो इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स आर पॉलीइथाइलिन टेट्राफिटलेट, polyethylene which is used in making plastic carry bags, polymers of styrene, polymethyl, okay, polypropylene. They are found in the presence of, they are the first four types of plastics, okay, found in the blood. Okay, now does they pose any human risk? तो इसके बारे में अभी डेटा हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है to give any such conclusion. The next is Gotabaya thanks India for assistance. तो यहाँ पे it is related to India Sri Lanka crisis. So Sri Lanka is going through its worst financial crisis. यहाँ पे जो इनके जो president हैं, okay, इन्होंने thanks बोला है हमारे external affairs ministers को for providing $2.4 billion in assistance. Okay, now this $2.4 billion has been announced in a form of currency swap, लोन डिफरमेंट एंड क्रेडिट लाइन. क्रेडिट लाइन कितना अनाउंस हुआ था? लाइन ऑफ क्रेडिट LOC दैट इज कॉल्ड एज 500 मिलियन. द नेक्स्ट इज द इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विद IOCL हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव. नाउ दिस इनिशिएटिव फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव, ओके, it permits the Air Force convoy to refuel at any IOCL fuel station. So how it will help Air Force convoy? It is going to speed up the movement of Air Force convoy from one place to another. So this is definitely going to increase the teeth to tail ratio. Now what is teeth to tail ratio? Teeth to tail ratio. It is the number of army personnel required to assist one commando in combat. अगर कोई एक आर्मी का बंदा जो लड़ाई कर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए कितने लोग चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज 3:10 रेशियो. सो बिकॉज ऑफ दिस fleet car fuel on the move initiative, this 3:2 ratio is going to decrease and there will be enhanced rapid mobility. Then along with that there is one more information. One more information is that fleet card को किसने लॉन्च किया? So it was launched by Indian Air Force Chief Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. द नेक्स्ट इज़ पद्मा अवार्ड्स. तो देखिए पद्म विभूषण किन्हें मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है कल्याण सिंह जी को पुष्टो मोजली. ही वॉज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश स्पेशली ड्यूरिंग द 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन. ओके, देन द सेकेंड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज़ पद्म विभूषण हैज़ बीन अवॉर्डेड टू क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे. उसके बाद देखिए पद्म भूषण जो थर्ड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड होता है दैट इज़ the winners are Krishnamurthy Alla, Sujitra Krishna Alla of Bharat Biotech, okay, fine, for producing the vaccine Covaxin. उसके बाद एक एक्टर हैं विक्टर बैनर्जी, उनको भी मिला हुआ है. फॉर्मर CEO माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नाडेला, गूगल CEO सुंदर पिचाई, देवर ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर पद्म भूषण. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ नीरज चोपड़ा. ओके, नाउ ही हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मश्री. ओके, विच इज़ द यू कैन से fourth highest civilian award. Now coming to Russia Ukraine crisis. तो यहाँ पे Volodymyr Zelenskyy, who is the president of Russia, now he has announced for a talk. This talk will be held in Turkey. जब हम पहले से जानते हैं कि जो पहला talk था रशिया यूक्रेन के बीच में, it was held in Belarus without any substantial result. The second talk again it was held in Turkey without any substantial result. The third talk is now going to be held in Istanbul in Turkey, and some of the points which has been raised by Volodymyr Zelenskyy is that they is going to discuss neutrality so that war can end and some form of compromise in Donbas region. Donbas region वो region है which is held by separatists since 2014. Donbas region में separatist leader, okay, they are holding this region, okay. And Minsk Agreement 1 and Minsk Agreement 2 was signed for pacifying the Donbas region and more political sovereignty to this region. So over here they are ready to talk about Donbas region, but without compromising the territorial integrity. Now why this statement is important? Because earlier Russia had passed a law declaring this Luhansk and Donetsk as the part of Russia, which Ukraine is not ready to give up on this thing. Now the next is about NATO, which has been declared as the red line by Russia. So over here also the country has given up its bid on joining the NATO for now, okay, but they are ready for the neutrality talk. द नेक्स्ट इज़ ऑस्कर अवार्ड. अब देखिए ऑस्कर अवार्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन जीता है? तो कोडा, फिल्म कोडा, इट हैज़ वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड. देन द नेक्स्ट इज़ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है? तो जेसिका चेस्टेन को फॉर द आइज ऑफ टैमी फे. ओके, देन द नेक्स्ट इज़ बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड पावर ऑफ द डॉग, and then best original screenplay for Belfast Kenneth Branagh, and then best supporting actress award to Ariana DeBose for West Side Story, and then best animated feature Disney को मिला है for Encanto. The next is यहाँ पे declare किया गया है कि that parliament में minister ने declare किया है कि इंडिया हैज़ नो प्लान टू परचेज रशियन ऑयल इन रुपीज़. हम रूबल की बात कर रहे थे, तो ओवर हियर द डील डज नॉट कैरी बाइंग रशियन ऑयल इन रुपीज़. द पॉसिबिलिटी कैन बी बाइंग इट इन युआन. ओके फाइन. सो रशियन सैंक्शंस ने हिट किया है रशिया के एक्सपोर्ट को. ओके, एंड नाउ मॉस्को इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑयल मार्केट. ओके, एंड देयर हैज़ बीन पॉसिबिलिटी इन द पास्ट फॉर द यूज़ ऑफ युआन एंड रूपी and deal with China and India. Okay, बट एट प्रेजेंट द प्रॉब्लम इज़ कि जो हमारे ऑयल पब्लिक सेक्टर कंपनीज है दे डोंट हैव एनी एग्रीमेंट विद रशिया फॉर परचेज ऑफ ऑयल इन इंडियन रुपीज़. द नेक्स्ट इज़ द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ अपॉइंटमेंट. जो हमारे एक्स कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे विनोद राय, ओके, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ कल्याण ज्वेलर्स. द नेक्स्ट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूसेस साइबर सिक्योरिटी स्किल ड्राइव. सो माइक्रोसॉफ्ट ने एक साइबर सिक्योरिटी स्किल डेवलपमेंट कैंपेन लॉन्च किया है, ओके, इन 23 रीजन्स इंक्लूडिंग इंडिया. द एम ऑफ दिस स्किल ड्राइव इज़ टू एड्रेस द अलार्मिंग शॉर्टेज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स. Fine. Now, if you will just see that by 2025, ठीक है, वर्ल्ड में there will be 3.5 million cyber security jobs available. ये available होगा, which is 350% increase in 8 years. उसके बाद यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अकेला 3.5 लाख cyber security jobs होंगे which will be waiting to be filled. So, in order to complete this gap, Microsoft has introduced the cyber security skill drive. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.